महाराष्ट्र में शिवसेना और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएमसी की कार्रवाई के बाद हर तरफ शिवसेना का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को कंगना रनौत के समर्थन में रैली निकाली और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया। आज हमारे देश की एक बेटी बहुत ही बुरे वक्त से जूझ रही है, जिनका घर गिरा दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी। सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो अपने शहर में नहीं होती है, अपने घर पर नहीं होती, तो उन्हें बिना अच्छी नोटिस दिए हुए नॉर्मली नोटिस उन्होंने दे दी फॉर्मेलिटी के तौर पर और उनका घर गिरा दिया, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम नारी हैं और किसी से झुकने और डरने वाले नहीं हैं, और हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब महिलाएं सुरक्षित हैं, सजग हैं, और वो हमारा समर्थन करते हैं, और हम पूरा सतना के युवा हम सब समर्थन में हैं कंगना रनौत जी के, वो आगे बढ़ती रहें और इसी तरह उन्हें सपोर्ट मिलता है। बहन कंगना रनौत के समर्थन में आज हम सब युवा यहाँ सतना जिले के इकट्ठा हुए हैं, और हम यहाँ से आह्वान करते हैं महाराष्ट्र की सरकार को कि आपको कंगना रनौत का घर गिराने की तो बहुत जल्दी हो गई और बीएमसी ने घर गिरा दिया। आप जवाब ये दो कि दाऊद इब्राहिम के घर गिराने के लिए हाई कोर्ट ने 2019 में आदेश किया था, 2019 से आज 2020 अगस्त चल रहा है, एक साल के ऊपर हो चुके हैं, आपको दाऊद इब्राहिम घर गिराने के लिए आपने हाई कोर्ट में बहाने दिए कि आपके पास बीएमसी में कर्मचारी नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है। बहन कंगना रनौत हमारी बहन है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बहन, न्याय और सत्य की बात की है, और हमें देखने में आ रहा है कि उनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को जगाने और महाराष्ट्र सरकार को सत्य की राह में चलने का जो प्रयास किया उससे चिढ़ के उन्होंने ऐसा काम किया है। इसलिए आज हम सब एक एक युवा बहन कंगना रनौत के साथ है, उनकी